हेलो ऑल दिस इज अनम वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज की वीडियो में मैंने अगेन इग्नू के के 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 जैसे कि आपको पता है इग्नू ने पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट दो बार एक्सटेंड कर दी है इसलिए आप में से जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है वो अभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपको मैं रिमाइंड करना चाहती हूं कि हमने रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है और इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल

हमने ये स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर करा है जैसे कि हमारे जो नोट्स है नोट्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं उसको हाईलाइट कर कर बताया है और आपकी जो प्रैक्टिस होंगी इस मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो so, मैं आपको गारंटी देती हूँ इन फोर टू फाइव डेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी है हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आपको सारा सेक्शन बी के लिए लगाना है जो सेक्शन बी होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल यूज करिए इन केस आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है सेक्शन बी के लिए सो so हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सो so, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है याद रखें आपको व्हाट्सअप भी करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप एंड द फीस फॉर द दर्सेज जस्ट नाइन ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है फर्स्ट स्टेप में आपको हमारे ऐप आप को डाउनलोड करना है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर यूजिंग योर रजिस्टर मोबाइल नंबर सेकेंड स्टेप में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है जैसे यहाँ पर है इग्नू पेट तो so आपको सर्च बार पर... में टाइप करना है इग्नू पेट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप हमारे कोर्स को इजिली एक्सेस कर सकते हैं एंड लेट्स बिगिन विदीडियो फर्स्ट क्वेश्चन रिसोर्स विच आर यूज बाय द रिसोच और ड्यूरिंग दी रिसर्च वर्क इस क्वेश्चन में करना है, ऐसे, ऐसे कौन सा है जिसे हम लिस्ट ऑफ रिसोर्स कहते हैं जो रिसोर्च अपने रिसर्च वर्क के ड्यूरिंग यूज करते हैं so, उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है जिसे हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं अब रेफरेंस क्या होता है रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क के ड्यूरिंग किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन और कंटेंट अगर यूज करते हैं सो तो नेम उस का, उस का नेम प्रॉपर प्रॉपर उस उस ऑथर का का मेंशन करते हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंस सो बिब्लियोग्राफी क्या होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस एक से ज्यादा अगर रेफरेंस है उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी सो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस जहां से so, रिसोर्चर इंफॉर्मेशन और किसी और रिसर्चर के इंफॉर्मेशन कंटेंट यूज करते हैं, सो बिब्लियोग्राफी को लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं दैट्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ए अपेंडिक्स अपेंडिक्स ये रिसर्चर के रिसर्च आर्टिकल में जो रिसर्चर लिखते हैं कंटेंट उसके जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स होते हैं उसमें अपेंडिक्स है आता है और रेफरेंस आता है सो अपेंडिक्स ये रिसर्च uh, आर्टिकल के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है दैट्स आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा अपेंडिक्स में आप कोई रेफरेंस नहीं करते हो किसी और रिसर्चर का नेम मैंशन नहीं करते हो जिसका आपने कंटेंट यूज करा है देन ग्लॉसरी ग्लॉसरी क्या होता है जिसमें अल्फाबेटिकली वर्ड अरेंज किए जाते हैं और उसका प्रॉपर मीनिंग होता है तो so, ग्लॉसरी में भी आप कोई रिसोर्चर का नेम प्रॉपर साइट नहीं करते हो सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी इंडेक्स इंडेक्स जैसे आपके बुक में भी इंडेक्स होता है जिसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो टॉपिक कौन से पेज पर मेंशन किया जाता है वो इंडेक्स में आपको बताया जाता है सो so, इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी और रिसर्चर का नेम साइट नहीं करते जिनका उन्होंने कंटेंट और इंफॉर्मेशन यूज किया है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी नेक्स्ट वेन द इंटायर पॉपुलेशन इज डिड इंटू नंबर ऑफ होमोजीनियस ग्रुप और क्लासेस इट इज नोन एज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके इंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो होमोजीनियस ग्रुप्स में और क्लासेस में देन आप उसको क्या कहोगे सो so अब आपकी जो पॉपुलेशन है उसको आप ग्रुप में जनरली आप स्टैटिफाइड रैंडम में डिवाइड करते हो अब जैसा स्टैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में आप क्या करते हो आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है अब मान लो ये आपकी जो पॉपुलेशन है ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आप होमोजिनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो आप आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस जिसमें मेल है फीमेल है चिल्ड्रन सारे एज ग्रुप के लोग हैं तो आपने क्या करा उनके उनको होमोजिनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया एक तरफ मेल हो गए एक तरफ फीमेल हो गए एक तरफ चिल्ड्रन हो गए तो आपने यहाँ पर आपके जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजिनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया अब ये जो एक एक ग्रुप है इनको हम कहते हैं स्ट्रेटा अगर आप आपकी इंटायर पॉपुलेशन है उसको होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो तो इस ग्रुप को और इस क्लास को आप कहते हो स्ट्रेटा दैट्स आप आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी क्या है सैंपल सैंपल क्या हो गे? जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप सैंपल कहोगे uh, इंटायर पॉपुलेशन को अगर आप होमोजिनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो तो उसको सैंपल नहीं कहोगे डेट्स पे आपका ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होता है आपकी पूरी इंटायर पॉपुलेशन को आप कहते हो यूनिवर्स ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रेटा अगर आप आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो देन उस एक एक ग्रुप को आप कहते हो स्ट्रेटा सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट डैश इज द मेजर दैट रिफर्स टू द एक्सटी ऑफ सिमेट्री और असिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टूल होता है जिसमें आप सिमेट्री और असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो सो so, वो टूल होता है आपका स्क्यूनेस टूल अब स्क्यूनेस टूल क्या होता है जिसमें आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री और असिमेट्री को मेजर करते हो जैसे आपको इस फिगर में देखना है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है मतलब कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम दिखेगा सिमेट्रिक मतलब अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मान लो अपने कोई पॉपुलेशन पर आप स्टडी कर रहे हो और उस पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड है सो so, उसे आप कहोगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्री है मतलब अगर आप इसको बीच से कट करते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड में जितना आपको दिखता है इमेज और राइट right साइड में दिखता है ये दोनों आपकी दोनों आपकी मिरर इमेज होंगी साइड आपको एक जैसे ही इमेज दिखेगी उसे आप कहते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप स्क्यूनेस से भी मेजर करते हो और असिमेट्री मान लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड में अगर टिल्टेड है तो इसके लिए भी आप स्क्यूनेस uh, का यूज करोगे स्क्यूनेस टील का यूज करोगे जिसे आप कहते हो पॉजिटिव स्क्यू अगर आपका जो ग्राफ है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट right साइड में टिल्टेड है जिसे आप कहते हो नेगेटिव स्क्यू सो इसको मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस का यूज करेंगे स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे और इससे आप क्या होते हो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि राइट साइड पर टिल्टेड होता है तो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्यूनेस अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप ए, जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जाम्पल होगा तो आप यहाँ पर क्या करो आपका जो रेस्पोंडेंट्स है उनकी जेंडर को एनालाइज कर रहे हो सो so, यहाँ पर आप uh, सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो सबके so, पास एक वेरिएबल है सो so, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को अगर आप एनालाइज करते हो तो so, आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में यूनि का मतलब होता है एक जैसे जेंडर है यहाँ पर ओके okay, और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो so, ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट का यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जांपल अब बाइवेरियट एनालिसिस क्या होता है जिसमें दो वेरिएबल है अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे सो इस केस में आप बाइवेरियट एनालिसिस का यूज करोगे अब मल्टीवेरिएट क्या होता है जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो सो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर उनकी हाइट और उनका वेट So, इस केस में आपके पास तीन वेरिएबल है सो so, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो so आप मल्टी वेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे so, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर सो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे आप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन

अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आप किस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल करते हो अब मान लो जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो हंड्रेड है अब आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी हंड्रेड पॉपुलेशन है तो आप हंड्रेड के हंड्रेड पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा सो हंड्रेड पॉपुलेशन है और आपको चाहिए जो मेरा सैंपल होगा वो सैंपल मैं सिर्फ दस लोगों पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा तो so, आप क्या करोगे इस केस में आप कुछ इंटरवल्स पर आपके पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से आप कुछ इंटरवल्स पर सैंपल सेलेक्ट करोगे इस केस में आपका जो सैंपलिंग इंटरवल है जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो सो ये करोगेड बाई एन कैपिटल एन जिसको आप पॉपुलेशन कहते तो हो आपकी पॉपुलेशन मान लो इस केस में हंड्रेड है और सैंपल आपको टेन चाहिए तो so, यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी के सैंपलिंग इंटरवल हो जाएगा आपका के सो के की वैल्यू टेन आ रही है मतलब अगर आपके जो पॉपुलेशन है वो टोटल हंड्रेड है तो so, अगर आप पॉपुलेशन में से पहले पर्सन को सिलेक्ट करते हो तो so आप दस के गैप पर पर आप 10, 10 के gap पर आप के गैप गैप क्या करोगे 10 का gap लोगे और देन वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे देन वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप टेन का गैप लेकर ट्वेंटी फोर्थ नंबर वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे ऐसे ही आप दस का गैप लेकर थर्टी फोर्थ वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे So, K, जिसको आप सैंपलिंग इंटरवल कहते हो उसको उस उस को डिवाइडेड बाय एन की आपको N. N पॉपुलेशन में से कितना सैंपल चाहिए so, वो आपको इस फॉर्मुले में पुट करना है देन सैम्पलिंग इंटरवल की जो वैल्यू आएगी आपको उस इंटरवल से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना होता है सो यहाँ पर सैम्पलिंग uh, इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है के इज इक्वल टू कैपिटल कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन यहां ऑफ एटीट्यूड इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें किसी पर्सन के बारे में बिलीव या फिर नॉलेज होती है अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट So remember, attitude of component के थ्री होते हैं First, effective, then and cognitive. अब इस question में आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट होता है जिसमें आपको किसी इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल्स और किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज और होती है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है कि आप हम जैसे कहते हैं वो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है वो पर्सन बहुत पोलाइट है वो पर्सन बहुत काइंड है वो पर्सन बहुत डेंजरस है, है आप कहते हो कि वो पर्सन बहुत क्रिएटिव है तो इसमें आपको किसी पर्सन के बारे में आपकी बिलीव है आपको उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको नॉलेज है सो so, वो कम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड होता है आपका कॉगनेटिव आप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कॉगनेटिव अब बिहेवियरल अफेक्टिव एंड ये तीनों भी एटीट्यूड ऑफ ट क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं फर्स्ट होता है अफेक्टिव कॉम्पोनेंट देन सेकेंड बिहेवियरल कॉम्पोनेंट जिसको आप कॉनेटिव भी कहते हो एंड थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड को हम एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं सो so, आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ को एबीसी मॉडल भी कहते हैं ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अब वन बाय वन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स के जो तीन कम्पोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं सो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी पर्सन के फीलिंग्स और या फिर उनके इमोशन के बारे में इन्वॉल्व होता है अफेक्टिव कंपोनेंट जैसे कोई पर्सन है उसको स्पाइडर से डर लगता है जैसे आपको इस एग्जाम्पल में गिवन है आई एम स्केड ऑफ स्पाइडर्स अफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है जो किसी पर्सन के फीलिंग्स या फिर इमोशंस को बताता है देन बिहेवियरल कंपोनेंट बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आप किसी चीज को किसी फेनोमेना को देखे कैसे एक्ट और बिहेव करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है कि आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन कि मैं अगर मैं स्पाइडर्स को देखूंगी तो मैं उनको अवॉइड करूंगी पहले तो और अगर मैं उनको देखती हूँ तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी और मैं डर मैं डर जाऊंगी उनको अवॉइड कर दूंगी मुझे उनको देखना पसंद नहीं है सो so, मेरा ये किसी चीज को देखकर मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ सो so, ये बिहेवियरल कॉम्पोनेंट में आ जाएगा देन थर्ड कंपोनेंट क्या है कॉगनेटिव कंपोनेंट कॉग्नेटिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी पर्सन के बिलीव्स या फिर उनके उस पर्सन के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है वो पर्सन क्या है बहुत ऑनेस्ट है ये मेरी बिलीव है मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है सो so उसे हम कहते हैं कॉगनेटिव कंपोनेंट और आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कॉग्नेटिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी

जिस पर आप रिसर्च में ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो तो so, वो इंटिटी होता है आपका टेस्ट यूनिट्स। अब टेस्ट यूनिट्स क्या होता है so, remember, टेस्ट यूनिट्स आपके दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है फर्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फर्स्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकेंड होता है आपका कंट्रोल ग्रुप अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब मान लो कोई डिसीज है उस डिसीज के मुझे करना है। तो, मैं टेस्ट तो मैं टेस्ट यूनिट के थ्रू अपने जो सैंपल्स है उनको पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लूंगी एक होगा मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें मैं अपने जो सैंपल्स है उनमें जितने भी मेम्बर्स है उनको मैं एक्चुअल जो ड्रग होंगी वो प्रोवाइड करूंगी और कंट्रोल ग्रुप जिसमें मैं जो एक्चुअल ड्रग होंगी वो प्रोवाइड नहीं करूंगी सैंपल्स को बल्कि मैं कोई प्लेसी दूंगी या फिर कोई यू कैन से कोई हम जेम्स की के देंगे एक्चुअल ड्रग नहीं देंगे सो so, वो होता है आपका कंट्रोल ग्रुप सो इस टेस्ट यूनिट्स के थ्रू हम किसी भी आ, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट अगर जब हम ड्रग डेवलप करते हैं तो टेस्ट यूनिट्स के थ्रू हम दो ग्रुप्स में अपने मेंबर्स जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में से हमने जिस पर सैंपल्स लिया है जिस पर हम स्टडी परफॉर्म करते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम एक्चुअल ड्रग प्रोवाइड करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं क्या हो रहा है पर्सन पर एंड कंट्रोल ग्रुप जिसको आप एक्चुअल ड्रग नहीं दोगे प्लेसिबो देकर देखोगे कि उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है प्ले, प्लेसो भी जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो उनका कुछ इफेक्ट नहीं होगा उसको आप कोई आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे आप बस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ऑब्जर्व करेंगे जिसको आपने एक्चुअल ड्रग दिया है तो इस तरीके से आप आपकी जो एंटिटी होती है जिसको आप टेस्ट यूनिट्स कहते हो इसको आप रिसोर्च में आ, उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो अब वेर एज वेरिएबल्स 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 पर आप कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते जिसके वेरिएबल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं सो so, इन दोनों का आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये देखते हो पर आपको ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इनकरेट हो जाएगा देन ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स पर आप कोई ट्रीटमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे कोई मशीन है उस पर आप कोई ट्रीटमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो सो यहाँ पर so, आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी सिंबल्स 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 डेफिनेटली पर का कोई रोल ही नहीं होगा so, पर आपका ऑप्शन जी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बस आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन गिवन है सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट यूनिट्स ऐसी एंटिटी जिसमें जिस पर आप रिसर्च में ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हो उसका आप कहते हो टेस्ट यूनिट्स सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा टेस्ट यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन उट करना है कि ऐसा कौन सा टेस्ट यूनिट है जो टाइम के साथ चेंज होते रहता है सो so, वो होगा आपका मैचुरेशन मैचुरेशन और हिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग ये सारे जो ऑप्शन आपको गिवेन है ये आपके थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी है मतलब इंटरनल वैलिडिटी को जो अफेक्ट करते हैं जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं जो आपको रिजल्ट है वो आपके वैलिड नहीं होंगे ये सारे जो ऑप्शन है ये इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट थ्रेट करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट देखते हो डिडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है वेरिएबल पर आपको कोई वेरिएबल्स का इफेक्ट नहीं देखोगे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर आप सिर्फ यही देखोगे तो उसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी अब इंटरनल वैलिडिटी को ये सारे ऑप्शन जो है अफेक्ट करते हैं अब हिस्ट्री हिस्ट्री क्या हो सकता है हिस्ट्री ऐसा अगर हो जाएगा जो आपके को कर गया सो so ये भी आपके क्या हो जाएगा थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी तो हिस्ट्री आपके थ्रेड जो आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है वो हिस्ट्री हो सकता है मैच्यन अब क्या होता है मैचुरेशन एक ऐसा टेस्ट यूनिट होता है जैसे आप मान लो Uh, आपने किसी uh, चिल्ड्रंस पर आपने रिसर्च परफॉर्म किया एंड देन आपकी जो रिसर्च है वो तीन से थ्री टू फोर इयर्स आपकी रिसर्च चले गई यहाँ पर आपको बहुत टाइम लग गया जिसकी वजह से आपके जो चिल्ड्रंस है वो मेच्योर हो गए तो ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है देन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जैसे आपने कोई चीज आप मेजर कर रहे हो आपके रिसर्च में और वो इंस्ट्रूमेंट्स अगर इंस्ट्रूमेंट जो आपका आप जो यूज कर रहे हो आपको उसने सही रीडिंग नहीं दिया सही मेजरमेंट नहीं दिया तो वो भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा सो so, इंस्ट्रूमेंट भी आपके थ्रेड टू इंटरनल वैलिडिटी में आता है देन टेस्टिंग अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो और टेस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं समटाइम्स तो ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है सो so, ऐसा टेस्ट यूनिट जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है उसे हम कहते हैं मैचुरेशन दैट्स वेयर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैचुरेशन नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ आइटमाइज रेटिंग स्केल इज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आइटमाइज रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है अब आइटमाइज रेटिंग स्केल क्या होता है अब मान लो किसी वेबसाइट ने किसी वेबसाइट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है कोई आइटम परचेस किया है सो तो so आपको आप उस प्रोडक्ट को कैसी रेटिंग दोगे किस स्केल्स के थ्रू आप उसको रेटिंग दोगे हमें फाइंड आउट करना है सो रिमेंबर रेटिंग स्केल का हमें ऑप्शन ए बी और सी तीनों में गिवन है सो रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल होता है लाइक स्केल सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एंड स्टेपल स्केल सो ये तीनों भी आपके आइटमाइज रेटिंग स्केल के एग्जाम्पल हो जाएंगे दैट्स आप आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब ये तीनों भी स्केल क्या होते हैं like, like सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल स्केल हम ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं तो आपके आइटमाइज रेटिंग स्केल के एग्जांपल होता है लाइकर्ट स्केल सिमेंटिक स्केल एंड थर्ड इज स्टेपल स्केल अब वन बाय वन हम देखते हैं ये स्केल्स होते क्या है सो so, लाइकर्ट स्केल लाइकर्ट स्केल ये स्केल आपकी 5 पॉइंट रेटिंग स्केल होती है कि आपको 5 पॉइंट गिवन रहते हैं और उसमें आपको उस प्रोडक्ट uh, को रेट करना होता है जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है अब मुझे देखना है कि उस पर, आ, मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उससे मैं क्या हूं न्यूट्रल हूं मैंफाई हूं वेरी सेटिस्फाई तो मैं वेरी सेटिस्फाई तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मुझे फाइव ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इसलिए लाइक स्केल को बोलते हैं फाइव पॉइंट स्केल देन मैं देखूंगी उसकी सर्विस कैसी थी उस कंपनी की सर्विस कैसी थी तो मैं सेटिस्फाइड थी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी मैं मैं बस सेटिस्फाइड थी देन ओवरऑल कंपनी मुझे वो ओवरऑल कंपनी कैसी लगी सो कंपनी ओवरऑल तो बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने उसको वेरी सेटिस्फाइड इस पर टिक कर दिया सो लाइक स्केल क्या होती है आपने मान लो किसी वेबसाइट uh, से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो आपको उस प्रोडक्ट पर आपको रेट करना होता है और आपको होते हैं इसलिए स्केल like स्केल को हम कहते हैं पॉइंट रेटिंग देन होता है आपका सीमेंटिक स्केल तो सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होती है आपकी जिसमें आप वन टू सेवन पॉइंट्स के बीच में आप रेट करते हो उस प्रोडक्ट को और किसी भी चीज को आप रेट करोगे जैसे सीमेंटिक स्केल में आप बताओगे कि वो आपने जिस कंपनी से प्रोडक्ट लिया वो लोग कैसे थे रूट थे बहुत ज्यादा सो तो मैं यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा रूट थे तो मैं उसको पॉइंट दूंगी और अगर वो बहुत अच्छा था उनका बिहेवियर तो मैं उनको सेवन पॉइंट दूंगी वो केयरिंग थे कोई पर्सन अगर केयरिंग है केयरिंग है तो मैं उसको फोर्स पॉइंट दूंगी नहीं तो मैं उसको नहीं सेवन पॉइंट दूंगी तो आपको याद रखना है सिमेटिक डिफरेंशियल स्केल जो आपकी होती है इसमें आपके जो पॉइंट ऑफ स्केल होते हैं ये सेवन पॉइंट ऑफ स्केल होती है ये हो गया आपका होती है. Okay? जिसमें आप ये बताते हो कि माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच में आपकी जो रेटिंग स्केल होती है उसे हम कहते हैं स्टेपल स्केल कोई प्रोडक्ट कितना चीप है अगर वो ज्यादा चीप है तो मैं इसको माइनस फाइव पॉइंट दूंगी नहीं तो मैं इसको प्लस फाइव अगर Uh, कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है मैं बहुत ज्यादा एग्री कर रही बस आपको इन में याद रखना है कि वो कितने पॉइंट होते हैं उसमें लाइक स्केल आपकी फाइव पॉइंट ऑफ स्केल होती है सेवन पॉइंट स्केल होती है स्टेपल स्केल जो होती है आपकी वो टेन पॉइंट रेटिंग स्केल होती है सो so, ये तीन अभी होते हैं आपके एग्जाम्पल्स ऑफ आइटमाइज रेटिंग स्केल नेक्स्ट

हाइट एज वेज ये हर टाइम वेरी करने वाली चीज है जो हर बार आ, आ, चेंज होते रहते जैसे एज आपकी एज आपकी हर बार चेंज होती रहती है अगर आपकी एज एटीन है नाइनटीन हो जाएगी ट्वेंटी हो जाएगी तो हर, हर बार आपकी एज क्या हो जाएगी चेंज होते रहेंगे आपकी एज एक ही नहीं होंगी देन उसी तरीके से हाइट हाइट भी आप जैसे बड़े होते रहते हो आपकी हाइट बढ़ती है उसी तरीके से वेट भी तो so, पॉपुलेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं पैरामीटर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मिलती है सैंपल स्टैटिस्टिक आपका ऑप्शन ए इन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी वेरिएबल्स एंड ऑप्शन वेरिएबल जो हर बार चेंज होते रहते हैं और कांस्टेंट ऐसी चीज जो हमेशा कांस्टेंट है जो हमेशा सेम रहने वाली है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे सो so, जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशन